मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी बयानबाजी रविवार को तेज हो गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुहपाश गिरोह की गिरफ्तारी, सदस्यों में शामिल महिला के भाजपा से सालों पुराने कथित जुड़ाव को लेकर सिलसिलेवार तौर पर सवाल दागे और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए राज्य के प्रमुख विपक्षी दल पर निशाना साधा। श्वेता जैन पत्नी विजय जैन, क्या भारतीय युवा मोर्चा की महामंत्री रही कि नहीं रही? हाँ या ना? रही कि नहीं रही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? जी भाई साहब जी, नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल सही है, रही। बीजेपी संबंध है। उस समय अध्यक्ष कौन था भारतीय युवा मोर्चे का? कौन था? जीतू जेराती था कि नहीं था? था कि नहीं था? महाराष्ट्र का भारतीय युवा मोर्चे का अध्यक्ष कौन था? निलंगेकर, पता लगाओ था कि नहीं था? आज फडणवीस जी की सरकार में वो मंत्री हैं कि नहीं है, पता लगाओ। श्वेता जैन का जब वीडियो वायरल एक हुआ तो महाराष्ट्र में वो किन के साथ रही, पता लगाओ। मेरे पास कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ पता लगाओ। ये भी पता लगाओ कि आपके कलाकार जी सागर में विजय जैन की दुकान का उद्घाटन करने गए थे कि नहीं गए थे, पता लगाओ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जेराती ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरा दिग्विजय से आग्रह है कि वह हनी ट्रैप मामले को गंभीरता से ले। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सीबीआई या किसी भी एजेंसी से जांच कराते हुए मामले के दोषियों को सजा दिलाए। ये मुझे नहीं पता, मैंने पीसी शर्मा जी को सुना भी नहीं है। और दूसरी बात, पीसी शर्मा जी क्या कह रहा, कौन क्या कह रहा, मुझे उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जीतू जेराती उस समय अध्यक्ष थे कि नहीं थे, तो मैं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो महामंत्री थी कि नहीं थी, तो वो नहीं थी। डेढ़ साल, और मेरा दिग्विजय सिंह जी से भी आग्रह है कि इस पूरे गंभीर मुद्दे को आप गंभीरता से लें, और लेने के साथ आपकी सरकार है, जो लोग दोषी हैं इसमें उनके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उन लोगों के साथ न्याय भी होना। गौरतलब है कि हनी ट्रैप गैंग ने कमलनाथ सरकार के 28 विधायकों को टारगेट किया था। इन विधायकों में कई मंत्री भी शामिल थे। गैंग की महिला सदस्यों में कई मंत्रियों और विधायकों से नजदीकियां भी बढ़ाई थी। एक सीनियर आईएएस अधिकारी और मौजूद सरकार में मंत्री की सीधी चर्चा में आने के बाद एटीएस को पुख्ता इनपुट मिले थे कि हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य कमलनाथ सरकार के विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की, जिनमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में सामने आया कि हनी ट्रैप गैंग की 5 महिलाओं ने संगठित होकर कमलनाथ सरकार के 28 विधायकों को टारगेट किया था, जिनमें कई मंत्री भी शामिल थे। बता दें कि सोमवार को इंदौर सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही मामले की उच्चतर जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने SIT गठित कर दी है। इसके माध्यम से मामले की जाँच में तेजी आने की संभावना है। न्यूज डेस्क।